चलो अब एक नया टॉपिक हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं जिनका नाम है वैद्युत ऊर्जा। आपसे कोई पूछे कि वैद्युत ऊर्जा क्या होता है तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे। देखो वैद्युत ऊर्जा जब भी कहेगा ना तो सिंपली एक बात है कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या चालक में, जैसे मान लो ये तार है, तार में धारा जा रही है, मान लो ये तार है, ठीक, मान लो ये तार है और इस तार में हमने वैद्युत धारा प्रवाहित किया, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो ऊर्जा हमें क्या होती है प्राप्त होती है उसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक बार समझो, कोई तार है, तार में आपने धारा प्रवाहित किया, मान लो कि ये तार में सब धारा जा रही है, विद्युत बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जब किसी तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं और जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसको भी डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक जूल होता है, इसका भी मात्रक जूल होता है, यह भी एक अदिश राशि होती है। तो क्या कहोगे, इसमें वैद्युत लग गया, इसका पहले वैद्युत ऊर्जा, इसका पहले वैद्युत की बात हम लगी थे, तो चलो तब वैद्युत शक्ति हमने देखा। देखो तो इसमें कि जब किसी तार या चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है प्राप्त होती है तो उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, तो उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है ना, यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि। कौन सी राशि होती है? अधिश राशि। डब्लू बराबर आपका यही सूत्र होता है। देखो इसमें चार पदों में सूत्र होता है, डब्लू बराबर भी गुणा क्यू, दूसरा होता है डब्लू बराबर वी आई टी, तीसरा होता है डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी, चौथा होता है डब्लू बराबर वी स्क्वायर आर अपॉन टी। ठीक है, ये चार पदों में सूत्र होता है, याद करो। जब भी कोई पूछेगा ना डब्ल्यू ऑफ भी गुणा क्यू, एक डब्ल्यू ऑफ भी आई टी है, एक डब्ल्यू ऑफ आई स्क्वायर आर टी है, एक डब्ल्यू ऑफ भी स्क्वायर टी बटा में आ गया। कौन कहा है सब बता सकते हैं। जहाँ भी आपका विभव है, क्यू आपका आवेश है, भी आपका विभव है, आई आपका धारा है, टी आपका समय है, या आई भी धारा है, आर आपका प्रतिरोध है, टी आपका समय है, और डब्ल्यू ऑफ भी स्क्वायर टी बटा में आर भी आपका विभव है, टी आपका समय है, आर आपका का है प्रतिरोध है। तो इस तरीके से जब भी आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा जब किसी तार या चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, करने से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, यहाँ पर जो है इसी लिखा गया। ठीक है, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा, ठीक है, जूल होता है या एक अधिश राशि होती है। और ये सूत्र लिख रहे हैं डब्ल्यू बराबर वी आई टी, वी गुणा क्यू एक होता है, डब्ल्यू को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वी को विभव, क्यू का आदेश, एक डब्ल्यू बराबर वी आई टी, वी आपका विभव है, आई आपका धारा है, टी आपका समय है, और एक डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई आपका धारा है, आर आपका प्रतिरोध है, टी आपका समय है, और एक डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी बटा में आर, जहाँ भी वी कहेगा विभव, टी आपका समय, आर आपका प्रतिरोध है। तो वैद्युत ऊर्जा इस तरीके से बता सकते हैं। ये पूरा आपके क्वेश्चन है, पूरा इस पर क्वेश्चन लगाया जाता है। ठीक है, तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल इसके ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, चलो आप देखते हैं, ये चारों सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। कौन क्या है याद हुआ? जो डब्ल्यू आपका क्या है, कार्य है, जो भी आपका है विभव है, क्यू आपका आवेश है, भी आपका विभव है, आई आपका धारा है, टी आपका समय है,
आई आपका धारा आर आपका प्रतिरोध है, टी आपका समय है, सब बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करते हैं हम लोग, इस पर वैद्युत ऊर्जा पर आधारित कुछ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि यदि एक तार में 50 कूलम का आवेश, 50 कूलम का आवेश, 50 कूलम का आवेश 50 वोल्ट के विभवांतर पर प्रभावित होता है, 50 वोल्ट के विभवांतर पर प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, तो वैद्युत ऊर्जा बताइए, तो वैद्युत ऊर्जा बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पढ़ के ही हम लोग आंसर मिल जाएगा। कहा कि यदि एक तार में 50 कूलम, 50 कूलम का मतलब होता है कि क्यू का मान दे दिया, यदि एक तार में 50 कूलम है क्यू का मान दे दिया, 50 कूलम का आवेश है, 50 वोल्ट है, वी का मान 50 वोल्ट है, कि विभवांतर पर प्रभावित होता है, तो आपको वैद्युत ऊर्जा इसमें भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सीखते हम लोग, ये आपके पास फार्मूला, ये फार्मूला आप भूलेंगे नहीं, इसको इसी फार्मूला से लगेगा। देखिए 50 कूलम कह रहा है तो इसका मतलब क्यू का मान दे दिया, 50 कूलम कह रहा है तो किसका मान दे दिया, क्यू का, जहाँ भी कूलम कहेगा क्यू लिखते हैं हम लोग, जहाँ भी कूलम कहेगा क्यू लिख लेंगे, चलो ये क्यू है देख लो, और 50 वोल्ट का विभवांतर है, तो वोल्ट जब भी कहेगा, विभवांतर जब भी कहेगा तो भी लिखेंगे, और क्या पूछा पर प्रभावित होता है, तो वैद्युत ऊर्जा यानी डब्ल्यू का मान आपको निकालना है, जब भी वैद्युत ऊर्जा की बात करेगा तो डब्ल्यू आपको निकालना है, जब भी वैद्युत ऊर्जा की बात करेगा तो क्या निकालना आपको है, डब्ल्यू आपको निकालना है। तो चलिए हल करते हैं, ठीक है हल करते हैं हम, कैसा हल करेंगे आप, यदि एक तार में 50 कूलम का आवेश है, चलिए भाई तो क्यू का मान आप कितना लिखेंगे, 50 कूलम, क्यू का मान आप कितना लिखेंगे, 50 कूलम, सब लोग देख रहे हैं 50 वोल्ट का विभवांतर है, वी का मान आप 50 वोल्ट लिख देंगे, जहाँ भी होता का लिख देंगे 50 वोल्ट, प्रभावित होता है, तो वैद्युत ऊर्जा आपको बताना है, डब्ल्यू का मान आपको क्या करना है निकालना, किसका मान आपको निकालना है, डब्ल्यू का। तो देखिए अभी आपने लिखा था का सूत्र, डब्ल्यू बराबर वी गुणे क्यू, डब्ल्यू बराबर वी गुणे क्यू, डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू ऐसे ही लिखो, जहाँ भी होता वो 50, जहाँ क्यू होता वो 50, दोनों तो 50 ही 50 है, तो 25 50 25 से गुणा कर दो, 2500 जूल आ जाएगा, 2500 जूल आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आसान है कि नहीं, बस ये पहचानना है कि कौन क्या कह रहा है, जब भी आवेश की बात करेगा तो क्यू लिखेंगे, यदि एक तार में 50 कूलम कह रहा है तो 50 कूलम कह रहा है ना, तो क्यू का मान 50 लिखेंगे, और 50 वोल्ट का विभवांतर है तो वी का मान क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, प्रभावित होता है तो वैद्युत ऊर्जा निकालना है यानी डब्ल्यू का मान निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर आप क्या लिखेंगे, वी गुणा क्यू, डब्ल्यू बराबर वी गुणा क्यू, जहाँ वी होगा 50 लिए 50 लिख लो, जहाँ क्यू होगा 50 है, यहाँ पर 2500 जूल आपका आंसर आ जाए, बना सकते इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट नोट कर लीजिए, इसको चलिए इसे नोट कर लीजिए, मैं जहाँ भी कूलम कहेगा तहाँ क्यू, जहाँ भी वोल्ट कहेगा तहाँ भी हम लिखते हैं, लिख करके इसको बता देंगे हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर, नमस्ते सर, नमस्ते, एक और क्वेश्चन हल करते हैं, यदि एक तार में 10 सेकेंड में 50 एम्पियर की धारा, 50 एम्पियर की धारा 100 वोल्ट के विभवांतर पर, 100 वोल्ट के विभवांतर पर प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है तो वैद्युत ऊर्जा बताइए, तो वैद्युत ऊर्जा बताइए। देखो ये भी बहुत, नमस्ते, बहुत छोटा सा है, यदि एक तार में है 10 सेकेंड में 50 एम्पियर की धारा 100 वोल्ट के विभवांतर पर प्रवाहित हो रही है, तो आपको क्या निकाल करके रखना है, वैद्युत ऊर्जा निकाल करके लिखना है। तो हमारे पास क्यू का मान 50 कूलम दे दिया, वी का मान 50 वोल्ट दे दिया, डब्ल्यू आपको निकालना है।
तो डब्ल्यू अब क्या होता है, भीम ने की, जहाँ भी होता है 50, जहाँ की होता है 50। जब 50 से 50 से गुणा करोगे तो 2500 जूल आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हो जाएगा, सब लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मगर इतना जानो कि अब ये जब हल करेंगे तो इसको हल करते आओ, कहा क्वेश्चन में हल करें, जो जो क्वेश्चन में कहा रखो, तार में 10 सेकेंड है तो टी का मान 10 सेकेंड रख लो, टी का मान 10 सेकेंड रख लो, बहुत सिंपल है। 50 एम्पियर है तो एम्पियर का मतलब आई, आई का मतलब 50 एम्पियर रख लो, ये बना लोगे तो एम्पियर हो जाएगा, जब ये लिख लोगे तो एम्पियर। और कितना 100 वोल्ट का विभवांतर कह रहा, कभी का मान 100 वोल्ट लिख लो, भी बना लोगे तो वोल्ट हो जाएगा, भी बना लोगे चाहे पूरा वोल्टेज लिख लो, क्या करना है, प्रभावित होती है तो वैद्युत ऊर्जा, यानी डब्ल्यू आपको निकालना, जब भी वैद्युत ऊर्जा कहेगा तो डब्ल्यू आपको निकालना। हमारे पास फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर वी आई टी, जैसे जौन जौन डेरिवेशन दिया होगा, जौन जौन चीज दिया होगा उस पर रख देंगे। अब जहाँ भी यथा रख दो 100, जहाँ आई यथा रख दो 50, जहाँ टी यथा रख दो 10, पूरा जब गुणा करेंगे तो 5 का आगे 4 जीरो बढ़ा दो, इतना जूल आपका आंसर आ जाएगा, इतना जूल आपका आंसर आएगा, इतना जूल 5 का आगे 4 जीरो, यानी 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था आपका, बस आपको देखना है कहाँ का डाटा दिया है, उसी डाटा पर आपको रख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। जब भी डाटा की बात करेगा तो सिर्फ जो दिया गया उसी पर आपको रखना है, रख करके हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बना लिए, बोलो।